बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ आशुतोष में बच्चों रीजनिंग से रिलेटेड एक नई सीरीज की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं और जो पहला चैप्टर हमने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ आपकी क्या कोडिंग और डिकोडिंग बच्चों बेसिकली कोडिंग मीन्स टू कोड अ समथिंग पर्टिकुलर वर्ड या अल्फाबेट या नंबर्स के रूप में कोई वर्ड मान लीजिए हमने एरोप्लेन लिया उस एरोप्लेन को आपको ऐसे सिम्बल्स या लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स के रूप में लिखना है जो कोड करने वाला है तो समझेगा या तो फिर डिकोडिंग जिससे आती होगी वो उसको सॉल्व कर पाएगा कि हमने एरोप्लेन को छुपा के रख दिया है तो बेसिकली किसी वर्ड को कोड करना ही कोडिंग कहलाता है और उस कोड को वापस से डिकोड करने की प्रोसेस को ही हम डिकोडिंग कहते हैं डिकोडिंग इट मीन्स जो एरोप्लेन वर्ड आपने छिपाया था उसी नंबर और सिम्बल्स को हम क्या करेंगे वापस से हटा करके उसको एरोप्लेन को हम वापस लाएंगे तो ये हमारी प्रोसेस पहले हम कोडिंग सीखेंगे और डिकोडिंग उसके साथ साथ में चलती रहेगी कि हम कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते हैं ठीक है चलिए कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग ऑफ अल्फाबेट हमें आनी चाहिए यानी कि अगर हमें कोडिंग करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी सी डी में जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो किस नंबर पर आते हैं ठीक है सबसे पहले ए से लेकर के हम एम तक लिखेंगे और एम के बाद फिर एन को हम उल्टा लेके आएंगे क्योंकि इसमें दो चीजें आपकी चलती हैं <coughs> एक तो आपको चलती है सीधे यानी कि एक से लेकर जेड तक पूरा ए टू जेड आपका प्रॉपर सीधे नंबरिंग में आप जाएंगे यानी कि ए को हम लिखेंगे वन बी को टू सी को थ्री ऐसे चलती है और दूसरी जो आपकी कोडिंग चलती है वो जस्ट अपोजिट वाली चलती है जैसे ए के अपोजिट जेड है बी के अपोजिट में आपका वाई है ठीक है एम के अपोजिट में आपका एन है तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो उसको आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चीजें आपको बहुत ही क्लियर टू कट रहेंगी ठीक है तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए को वन टू Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four. ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ठीक है देखिए बच्चों ए से लेकर के एम तक हमने लिख दिया आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी इसका कोई शॉर्टकट या कोई भी ट्रिक नहीं है ए टू जेड आपको याद होना चाहिए सीधे में और एट से जेड से लेकर ए तक वापस उल्टा भी आपको क्या है याद होना चाहिए मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया एच का क्या है तो एच का एट होना चाहिए एम का क्या है एम का आपका थर्टीन है एन का कितना फोर्टीन है जेड का कितना ट्वेंटी है वाई का ट्वेंटी है एस का नाइनटीन है आर का आपका क्या है वो एटीन है ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए बहुत छोटे से सवाल से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हम विजय को डब्ल्यू जे के बी जेड लिख सकते हैं तो सुधा को हम क्या लिखेंगे देखिए आपको इसमें सबसे पहले इन चीजों को देखना है कि जो आपके ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं ये एक एक छोड़ के हैं या दो दो छोड़ के हैं एक एक बढ़ रहा है या एक एक घट रहा है ये चीजें आपको क्या है बहुत ही फास्ट वर्क करने से V के बाद क्या आता है W I के बाद J और J के बाद K A के बाद B यानी कि क्या है इसमें एक एक बढ़ रहा है इसमें सब में प्लस वन हो रहा है आपका सब में प्लस वन होता गया इसमें भी प्लस वन इसमें भी प्लस वन इसमें सब में प्लस वन है तो सुधा लिखने के लिए हमें कुछ खासी मैनेज इसमें नहीं करनी है एस के बाद क्या आता है हमारा वन प्लस करेंगे तो के बाद टी आता है यू के बाद में वी डी के बाद में आपका ई e आएगा एच के बाद में आई ए के बाद में बी बेसिकली इसमें आपको ठीक से ए बी सी डी आनी चाहिए और उसके नंबर्स आपको आने चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आपका कह रहा है कि अगर हम गर्डल जी आई आर डी एल ई गर्डल को अगर हम एच जे एस सी के डी लिखते हैं तो हम साल्वर को क्या लिखेंगे भैया तो देखिए जी के बाद आपका एच यानी कि प्लस वन हुआ आई के बाद में जे यानी कि इसमें भी प्लस वन हुआ आर के बाद में एस आता है इसमें भी प्लस वन हुआ डी के बाद में सी इसमें एक माइनस वन हुआ और एल के बाद में एक फिर माइनस हुआ कि के के बाद में फिर एल आता है और डी के बाद में फिर ई e आता है यानी कि क्या है आपके फर्स्ट थ्री लेटर्स में आपने प्लस वन करना है और आपके लास्ट के थ्री में इसमें आपको माइनस वन करना है बहुत सिंपल है फटाक से करेंगे इसके आगे के तीन अल्फाबेट्स में हमें प्लस वन करना है और लास्ट वालों में क्या है माइनस वन करना है एस के बाद क्या आता है टी ए के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे बी एल के बाद में आपका आएगा एम अब वी से पहले क्या आता है एस टी यू यू के बाद में फिर वी तो यहाँ पर क्या आएगा यू ई e के पहले क्या आता है सी डी तब ई e आता है यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डी और आर के पहले क्या आएगा पी क्यू आर क्यू फिर आर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू यानी कि जो आपके विजय और गर्डल को कोड करके इन्होंने एक्स वाई जेडी ए सी डी जो कुछ भी लिखा था उसको हमने डिकोडिंग सीखा डिकोडिंग सीख के क्या किया सुधा को हमने उसको एज इट इज डिकोड कर दिया या फिर कोड कर दिया इसको हमने पहले डिकोड किया यानी कि तोड़ा इसको समझा कि कैसे उसको ये कोडिंग किया है फिर इसी के हिसाब से हमने इसको भी क्या किया है कोड किया इसको पहले हमने डिकोड किया है फिर कोड किया है डिकोड किया फिर कोड किया यही चल रहा है अभी देखिए थोड़ा सा हटके यहाँ पे लिखा एस यू एन Sun को 54 लिख दिया है तो 54 इसमें आप दिमाग लगाइए को क्या लिखते हैं 19, यू को क्या लिखते हैं 21, और एन को क्या लिखते हैं 14. इन सबका जो सम है वो आपका कितना आ रहा है 9, एक 10 और 4, 14 के चार एक दो चार एक 5. यानी कि इन सभी के क्या है प्लेस वैल्यू को सम कर दिया है एडअप कर दिया है उसी तरह से पूछ रहा है मून को क्या लिखेंगे सिंपल से भैया मून की आपको आनी चाहिए मून में क्या है एम आपका थर्टीन ओ आपका कितना है पंद्रह फिर डबल ओ है फिर पंद्रह और एन आपका क्या है यानी कि पांच पांच दस चार चौदह चौदह तीन सत्रह के साथ एक कैरी जाएगा चार और एक पांच यानी कि इसको हम लिखेंगे फिफ्टी सेवन यानी कि हम कह सकते हैं क्या सन मून से केवल तीन नंबर दूर है चलिए इधर आइए आपके फोर्थ नंबर में कह रहा है कि फाइव को हमने जी एच W डी लिख दिया है तो हम हर्ड को क्या लिखेंगे तो पहले फाइव की ये कोडिंग किस तरह से की इसको पहले हम फाइव को डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद क्या करेंगे हर्ड की हम कोडिंग करेंगे देखिए एफ के बाद में जी एच के बाद सॉरी आई के बाद में जे आता लेकिन यहाँ एच है, है यानी कि एच फिर आई आता या यानी कि पहले वाले में क्या किया है इसमें प्लस वन है और सेकेंड वाले में माइनस वन है V के बाद में W, एस टी यू वी फिर W, यानी कि प्लस वन और E, e में D, यानी कि एक माइनस वन के यानी कि क्या कर रहे हैं एक बढ़ा रहे हैं एक घटा रहे हैं सिंपल है H के भाई एक प्लस कर देना है H के बाद क्या आता है H के बाद में I, U में आपको एक घटा देना है एस टी टी आर के पहले नहीं बाद में यानी कि R में हमको एक जोड़ना है एस और टी के पहले क्या आता है एस यानी कि एक जोड़ो एक घटाओ एक जोड़ो एक घटाओ एस आर एस एस टी ठीक है समझ में आ रही बातें चलिए एक आपका और है कह रहा है ग्रांट को अगर हम यू ओ बी एस एच लिख सकते हैं तो हम प्राइड को क्या लिखेंगे ग्रांट को अगर हम यू बी ओ एस एच लिख सकते हैं तो प्राइड को क्या लिखेंगे इसको पहले डिकोड करिए जी और यू ये आपको देखने में क्या लग रहा है जी और यू इन दोनों में कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है आर एस ए बी सबसे बीच वाले को एक बढ़ा के लिख दिया यानी कि प्लस वन ठीक है एस वाले को एक प्लेस इधर खिसका दिया है एस फिटी ठीक है और जी में एक प्लस करके लास्ट में ले गए हैं यानी कि जी जो था आपका फर्स्ट इसको आपके यहाँ लास्ट में ले गए हैं तो आप भी इसको क्या करोगे बीच वाला आपका आई है इसको आप एज इट इज यहाँ पे रख दो आई के बाद में एक प्लस करके यहाँ पे आप बीच में जे कर दो और पी है आपका उसमें आपको एक बढ़ा करके यहाँ पे लिख देना है पी के बाद में क्या आता है यहाँ लास्ट में क्यू ठीक है सेकेंड वाले में एक प्लस करके यहाँ रख दिया है तो आप भी क्या करो आर के बाद में एस प्लस करके यहाँ रख दो एक प्लस करके ओ के बाद में एन एन के बाद में ओ यानी कि इसको क्या किया थर्ड प्लेस पे ले आया है उधर से फोर्थ प्लेस पे उधर से फोर्थ प्लेस पे तो यहाँ पे आपका डी है तो डी में एक प्लस करके आपके क्या आएगा यहाँ पे ई e हो जाएगा उसके बाद में आपका टी के बाद में u यहाँ एक प्लस करके दिया तो e के बाद में आप क्या यहाँ पर करेंगे f f e g s q यानी कि क्या किया आगे से एक उठा करके एक बढ़ा करके पीछे कर दिया सेकेंड वाले को फिर एक बढ़ा के उसके अंदर कर दिया ऐसे इसको क्या किया अरेंज किया है लास्ट में देखिए थोड़ा सा कोड्स में इसमें दिया गया प्रेज को कह रहे हैं हमने सिम्बल्स के रूप में रखा पी को हैश आर को एट द रेट ए को डॉलर आई को टू एस को सेवन ई e को Percentage. करें इन्हीं वर्ड्स में हमने इसको कोड कोड किया इस रिस्पायर को हम कैसे करेंगे ध्यान से बच्चों आपको पता चलेगा कि जो रिस्पायर है, ये जो जो हैं हैं अल्फाबेट्स इसमें आए तो आर, आर सेकेंड प्लेस है एट द रेट तो सबसे पहले है तो इसको हम क्या रखेंगे हो गया। आपका सबसे परसेंटेज हो गया एस ये सेकेंड लास्ट पे यानी कि सेवन पी सबसे फर्स्ट में है यानी कि ये आपका हैश हो गया ठीक आर ई एस पी फिर आई आपका है सबसे थर्ड नंबर उधर से थर्ड नंबर पे यानी कि टू आर आपका सेकेंड पे है यानी कि एट द रेट और ई e आपका लास्ट में है यानी कि परसेंटेज ठीक है बच्चों समझ में आ रही चीजें कोडिंग डिकोडिंग का आज पहला क्लास था इसमें हमने क्या सीखा हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग सीखी उसके बाद में हमने इस कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए आपको करना क्या है आपको नंबरिंग अल्फ़ाबेट्स की बिल्कुल ज़ुबान पे फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए ठीक है कि आई पे क्या आता है जे किस पे आता है एल किस पे आता है एम एन ओ ये सारी चीज़ें सेकंड चीज़ जो आपको इसमें रटनी है वो बिल्कुल ये है कि आपके अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं ए के अपोजिट जेड आता है बी के वाई सी के एक्स डी के डब्लू अब जैसे आपको नंबर्स पता है जैसे डी को आपको पता है कि डी पे चार आता है और आपको पता है डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू क्या है ट्वेंटी थ्री अभी और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या अपोजिट वालों को आपको देखने को मिलेगा ये आगे की चीज़ें जैसे जैसे हम क्लासेस पढ़ाते जाएंगे चीज़ें आपकी और लेवल्स आपके क्या हैं बढ़ते जाएंगे अभी आज पहला क्लास था इसलिए बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं बताया है बच्चों अगर पहली बार हमारे आप चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए जो चीजें आपको समझ में आती हैं या कोई क्वेश्चन आपको पूछना तो अब हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू बेस्ट ऑफ लक